स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है 11th के मैथ में चैप्टर 5, जिसको आप चैप्टर 5 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें सममित संख्या और द्विघाती समीकरण के बारे में आप यहाँ पे थ्योरी को आप नॉलेज लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे अभी तक आप लोगों ने प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी, ठीक है ना, और इंटीजर्स पढ़े थे, मतलब आपके पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, और रियल नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा था। अब ये सममित संख्या आप कैसे, ये सममित संख्या क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप नेचुरल नंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। इसको हम एक छोटे से ग्राफ के रूप में हम समझाना चाहते हैं। यहाँ पे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 डॉट 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 स्मॉल एम, मतलब सभी नेचुरल नंबर्स एक से लेके यहाँ पे इन्फिनिटी तक, इसकी जो रेंज होती है 1 to इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर एक से लेके अनंत तक की जितनी संख्या है नेचुरल नंबर में आती हैं। फिर अगर हम इस नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी नंबर्स जो हम जीरो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये होल नंबर्स बन जाता है। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं हो जाती है, होल नंबर्स इसको आप बोलते हैं। और अगर इस होल नंबर में, होल नंबर चूंकि इंटीजर्स भी होते हैं, इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव, अगर हम इसमें निगेटिव नंबर्स भी डाल दें, यहां से निगेटिव नंबर भी डाल दें माइनस इन्फिनिटी तक, अनंत तक, तो वो इंटीजर्स पूर्णांक हो जाते हैं, पूरे इंटीजर्स। अब उसमें इंटीजर्स जो है धनात्मक पूर्णांक होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ये मिलकर आपको इंटीजर्स नंबर बना दिए, पूर्णांक बना दिए। अब यहां पर रेशनल नंबर की बात हम कर लेते हैं। जैसे रेशनल नंबर क्या है, इसके बाद रेशनल नंबर आपने पढ़ा है, रेशनल नंबर जिसको पी, जिस नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, और तीसरी कंडीशन यह है कि अगर रूट के अंदर ऐसी कर्णी के अंदर ऐसे नंबर हो जिसका पूर्ण वर्ग हो, जैसे कर्णी के अंदर ऐसे नंबर लिया जाए जिसका पूर्ण वर्ग हो, जैसे √25, √36, तो ये क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। बट अब यहां पे इरेशनल की अगर हम बात करें, इरेशनल की बात करें, यहां पे इरेशनल नंबर की बात करें, तो इरेशनल नंबर आपको पता है कि जो रेशनल नंबर नहीं है, जैसे √2, जिसके अंडर रूट में कर्णी के अंदर ऐसे नंबर रखे जाए जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, तो जैसे √2, π, ये सब क्या है, आपके इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पे नेक्स्ट है इरेशनल नंबर √2, √3, ये। अब यहां पे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को मिलाकर हम रियल नंबर फाइंड आउट करते हैं, मतलब रियल नंबर प्राप्त होता है। रियल नंबर यही होता है, रियल नंबर मतलब रेशनल और इरेशनल सारे नंबर को, इनको मिला के हमको रियल नंबर प्राप्त होता है। अब इसमें रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को मिलाकर हम रियल नंबर प्राप्त करते हैं, उसके बाद सपोज दैट अगर आपके पास इस टाइप से भी दिए जाए नंबर जो इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में होते हैं, −2, −1, इस टाइप से अगर नंबर दिए जाएं, इनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, क्लियर। अब ये इमेजिनरी नंबर, इस इमेजिनरी नंबर का जितना भी एप्लीकेशन होता है वो सममित संख्या में प्राप्त होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसी इमेजिनरी नंबर के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स नंबर सारे ज्ञात करते हैं। तो अब हम यहां पे नेक्स्ट ये बात करना चाहते हैं, जैसे आप लोगों ने
दो घात समीकरण पिछली प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने दो घात समीकरण आप पढ़ रहे थे, तो वहां पर आप लोगों ने जब दो घात समीकरण सॉल्व जैसे फैक्टराइज आप नहीं कर पाते थे तो वहां पर श्रीधराचार फार्मूला यूज करते थे, जिससे आप लोग वाकिफ होंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से आप यहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, जो अगर वहां पर दो घात समीकरण इस टाइप से दिया गया हो, इस फॉर्म में अगर दो घात समीकरण है तो यहां से एक्स की वैल्यू जो हम निकाल लेते थे, ये एक्स की वैल्यू यहां पे दो मिलती थी प्लस और माइनस में, उसको हम लोग जो है रूट का नाम देते थे, एक्स का प्रथम रूट, जो क्योंकि दो घात समीकरण में घाते दो हैं तो इसके दो रूट होंगे, ये क्लियर था। तो यहां पर आप इसकी वैल्यू यहां पे विभिक्तर की बात आपने की थी, विभिक्तर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहां से आप सर्वप्रथम क्या निकालते थे, विभिक्तर। अगर वहां पे विभिक्तर जो है, यहां पे विभिक्तर अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाता था तो रूट कैसा था, रियल था और डिस्टिंक्ट रूट प्राप्त होते थे, यहां पे रियल रूट प्राप्त होते थे, रियल रूट वास्तविक मूल आपको प्राप्त होते थे एंड डिस्टिंक्ट रूट ये प्राप्त करते थे। अगर यहां पे d इक्वल टू जीरो अगर आपको प्राप्त हो जाता था तो ऐसी कंडीशन में रूट रियल तो होते थे प्लस साथ में इक्वल भी होते थे। रियल क्या है, रूट, रियल रूट क्या होंगे, रियल रूट होंगे एंड इक्वल होंगे, बराबर होते थे दोनों रूट, क्या होते थे, रियल और इक्वल दोनों समान होते थे। इफ यदि d इज लेस देन जीरो तो यहां पर रूट रियल नहीं प्राप्त होते थे, नो रियल रूट आपको प्राप्त होते हैं ऐसी कंडीशन में, क्या होता है इसका मतलब, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाती थी तो आप ये बोलते थे कि ये वास्तविक रूल नहीं है, ये काल्पनिक रूप उसका मूल आप बता देते थे। तो यहां पे लेस देन है तो नो रियल रूट, नो रियल रूट यहां से आप, अब ये जो नो रियल रूट जहां पे प्राप्त होता था ऐसी कंडीशन में, तो यहां पर आप जो है काल्पनिक वास्तविक रूल, वास्तविक मूल न प्राप्त करके आप काल्पनिक मूल प्राप्त करते थे। तो इसी का अध्ययन हम लोग जो है समिश संख्या में करेंगे, इसी का अध्ययन हम समिश संख्या में करते हैं कि ऐसे तब ये जब इस टाइप से रूट प्राप्त होता था तो वो नंबर्स, वो रूट कैसे होते थे, एक समिश संख्या को प्राप्त करते थे, समिश संख्या के रूप में वो रूट प्राप्त होते थे। तो हम इस टाइप से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जो है इसके आगे के पॉइंट को देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका। अब यहां पे एक शब्द आता है आयोटा, यहां पे समिश संख्या की जहां बात होगी वहां पे एक आयोटा, यहां पे आयोटा जिसका सिंबल है स्मॉल आई, इसकी वैल्यू होती है माइनस वन, ये माइनस वन आयोटा का मतलब, यहां पे अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर्स हैं जो माइनस में हैं तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, इसकी वैल्यू होती है आयोटा का, आयोटा का स्क्वायर अगर आप करें तो यहां पे माइनस वन प्राप्त होगा, इससे आप क्लियर हैं, दोनों साइडों का आप स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का वर्ग माइनस वन के बराबर होता है, ये क्लियर। अब यहां पर हम जैसे रियल नंबर्स, यहां पे हम ए प्लस आई बी, सपोज दैट कोई समिश संख्या लेते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ए प्लस आई बी, यहां पे ए एंड बी रियल कोई नंबर है, ए एंड बी, ए जो है और बी कोई रियल नंबर है, यहां पर अब ये चीज आपको देखना है कि ए जो है प्योर रियल नंबर है और आयोटा इंटू बी
ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। ऐसी कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं प्योरली, इसमें पॉइंट लिख लीजिए, प्योरली रियल, प्योरली रियल जो है ए सेकेंड प्योरली प्योरली इमेजिनरी नंबर नंबर आईबी, ये हो गया प्योरली इमेजिनरी नंबर आईबी। अब ऐसे अगर आपसे बोला जाए कि अगर हमको प्योरली रियल नंबर फाइंड आउट करना है, प्योरली रियल के लिए आप यहां पे क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू जीरो लिखेंगे। प्योरली रियल नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो यहां पे v इक्वल टू जीरो अगर आप पुट करेंगे तो a प्लस आई इंटू जीरो इज इक्वल टू a, यहां पे a क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। ठीक है ना, क्लियर। अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर प्राप्त करना है तो यहां पर आप लिखेंगे a इज इक्वल टू जीरो, देन जीरो प्लस आई इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी। ये क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। इस तरीके से अगर हमको जैसे इमेजिनरी नंबर टोटल प्राप्त करना है, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त करना है, तो ऐसे में ए नॉट इक्वल टू जीरो मतलब इसमें केवल इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया और ये प्योर रियल नंबर हो गए। अगर आपसे पूछा, आपसे कहा जाए कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यही इमेजिनरी नंबर हो जाएगा a प्लस आई बी, जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सम्मिश संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, स्मॉल z से डिनोट करते हैं। अब हम लोग जो है जीरो को अगर हम कंसीडर करें तो जीरो कैन बी कंसीडर्ड एज प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। जीरो को अगर हम कंसीडर कर सकते हैं प्योरली रियल में और प्योरली इमेजिनरी में। तो अब हम यहां पे सममित संख्याओं के, जैसे दो सममित संख्याएं हैं, उनकी उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, वो रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं और उनमें हम कंपेयर कराते हैं किस तरीके से, इसके प्योरली जो इमेजिनरी नंबर होंगे, पूर्ण जो वास्तविक संख्याएं होंगी, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के पूर्ण सममित संख्या पूर्ण रियल नंबर के इक्वल होगी। तो सपोज दैट यहां पर z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, तो पहला नंबर है यहां पे आप लिख सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर में तुलना कैसे हम करते हैं, c प्लस आई डी। तो यहां पे z1 और z2 में कंपेयर कराना है, तो इसका मतलब z1 का जो प्योर रियल नंबर होगा, z1 का प्योर रियल नंबर इज इक्वल टू z2 का प्योर रियल नंबर, दोनों इक्वल होंगे। मतलब z1 का जो प्योर रियल नंबर होगा वो z2 के प्योर रियल नंबर के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट्स, इसका मतलब जो प्योर रियल नंबर का जो पार्ट्स है, यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू c, देन z2 का जो इमेजिनरी पार्ट्स है ib इज इक्वल टू id लिख सकते हैं, यहां पे इस तरीके से b इज इक्वल टू d, इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। ये प्योर रियल नंबर है, रियल पार्ट है, रियल नंबर के पार्ट हैं, रियल नंबर पार्ट। और सेकंड जो है प्योर
इमेजिनरी नंबर पार्ट, ये दोनों पार्ट जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये क्लियर। मतलब यहां से a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी, इस तरीके से आप दोनों को इक्वल कर सकते हैं। अब हम अलजेब्रिक ऑपरेशन पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनका अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है? पहला पॉइंट, अलजेब्रिक ऑपरेशन हम लोग देख लेते हैं जिस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ टू रियल नंबर। अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर दो सममित संख्याओं का जो बीजगणितीय प्रयोग होगा, ऑपरेशन होगा, वो कैसे होगा? पहला पॉइंट है एडिशन, मतलब ऐड करते हैं Z1 प्लस Z2। इस तरीके से अगर Z1 इक्वल टू गिवन है a प्लस IB एंड Z2 इक्वल टू c प्लस ID, तो इसको आप a प्लस c एक साथ लिख सकते हैं, प्लस I मतलब आयोटा b प्लस d, इस तरीके से आप इसको सम कर सकते हैं। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? जब आप ऐड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, इसके फर्स्ट प्रॉपर्टीज यहां पे आप प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं इस तरीके से। इसके गुण क्या क्या हैं? पहले तो सपोज दैट, जैसे पहला तो ये है कि यहां पे जैसे Z1 प्लस Z2 अगर आप ऐड करते हैं इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होगा, जिसको आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में इसी चीज को आप लिख सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। सेकंड है Z1 प्लस Z2 अगर आप ऐड करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। अगर आप Z1 भी कॉम्प्लेक्स है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स, अगर टू नंबर का अगर आप सम करते हैं तो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होता है। तो इसको हम क्लोरस लॉ के नाम से जानते हैं, क्लोजर लॉ। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। जैसे सपोज है 3, एसोसिएटिव लॉ में क्या आप पढ़ते हैं? एसोसिएटिव लॉ, सपोज दैट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यहां पे Z1 प्लस Z2 को आप इनिशियली ऐड करेंगे, फिर आप Z3 को ऐड करें इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसको ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे। ये हो गए आपके एसोसिएटिव लॉ। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है यहां पे, जिसको आप जो है तत्समक का रूप देते हैं यहां पे जैसे क्रम विनिमय का नियम आप लोगों ने पढ़ा हिंदी में, इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं, इसको सहचर का नियम बोलते हैं। इसके पहले ये सहचर का नियम है हिंदी में, इसको सहचर एसोसिएटिव लॉ, सहचर नियम। नेक्स्ट है योगात्मक तत्समक। अगर हमने यहां पर आप लोगों को अभी हमने बताया था यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी, अगर हम नेक्स्ट है
एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स यहां पर योगात्मक तत्समक योगात्मक तत्समक योगात्मक तत्समक इसमें योगात्मक तत्समक में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हम जीरो अगर ऐड करते हैं जेड प्लस जीरो इक्वल टू आपको सदैव वही कॉम्प्लेक्स नंबर सेम प्राप्त होगा। तो यहां पर भी आप जो है इस चीज को देख सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर जीरो को आप ऐड करते हैं तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम सपोज दैट यहां पर जेड जो है अगर जीरो प्लस आई आयोटा जीरो इस टाइप से लिखें तो इसकी वैल्यू सदैव अगर ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको हम जेड के ही इक्वल यहां पे फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जेड ही प्राप्त होगा यहां पे वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स जिसको हिंदी में बोला जाता है योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम। तो यहां पर योगात्मक प्रतिलोम के बारे में देख लेते हैं ये क्या है। योगात्मक प्रतिलोम एक्चुअल में योगात्मक प्रतिरोध को एडिटिव इनवर्स बोला जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका एडिटिव इनवर्स अगर आप लेंगे तो माइनस जेड इस तरीके से आप इसको ऐड करें और उसकी वैल्यू आएगी जीरो। इसका मतलब क्या है कि एडिटिव जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए माइनस आई बी ये होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर यहां पर योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो इसका मतलब जेड का योगात्मक प्रतिलोम माइनस जेड होगा ये प्रतिलोम इनवर्स होगा जेड का इनवर्स क्या होगा माइनस योगात्मक प्रतिलोम इस तरीके से निकालेंगे तो माइनस जेड आप यूज करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो जीरो वैल्यू आएगी यहां पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप करते हैं तो नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर आप दोनों का अंतर अगर आप निकालें सिमिलर इसी तरीके से हो जाएगा जैसे आपने प्लस किया था उसी के अकॉर्डिंग आप माइनस करेंगे ए माइनस बी प्लस आई सी माइनस आयोटा आई मीन्स हो गया आयोटा सी माइनस डी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस अगर आप निकालते हैं तो भी जो हमको नंबर प्राप्त होगा वो भी क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्म है। तो इस तरीके से हम यहां पर इस वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं इसी तरीके से डिफरेंस भी होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में जान लेते हैं क्या होता है कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा करते हैं ये सब अलजेब्रिक ऑपरेशन में आ जाएगा। अलजेब्रा का ऑपरेशन जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का उसमें आप जोड़ना घटाना और भाग देना कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ते हैं। तो यहां पर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा करते हैं मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये
कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहां पे ले लेते हैं जेड वन इक्वल टू ए प्लस आई बी, सिमिलर इसी तरीके से जेड टू इक्वल टू हम सी प्लस आई डी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां पे जेड वन इंटू जेड टू हम करते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, जैसे आप इक्वेशन को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे, ए सी ए सी प्लस आई आयोटा इंटू बी इंटू सी प्लस, क्योंकि यहां प्लस है प्लस का साइन रखेंगे, फिर यहां पर आप लिखेंगे ए इंटू आयोटा डी, आयोटा इंटू डी प्लस, प्लस रखेंगे फिर यहां पर आई बी इंटू आई डी, इसको आपने लिखा। तो यहां पर आप जो है ए सी प्लस यहां पर बी सी प्लस ए डी आयोटा, आयोटा को कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो ये प्राप्त होगा प्लस यहां पर आई आयोटा का स्क्वायर इंटू बी डी, बी इंटू डी। तो अब यहां पर हमने इनिशियल पॉइंट आपको बताया था कि आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन के इक्वल होगा, ये आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था। तो यहां पर ए सी प्लस आई बी सी प्लस ए डी माइनस बी डी, ये प्राप्त होगा क्योंकि आई स्क्वायर की प्लेस पे क्या रखेंगे माइनस वन। तो यहां पर ए सी माइनस बी डी प्लस आई बी सी प्लस ए डी, ये भी क्या होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा जो आपके सामने है। इस तरीके से हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कैसे हम लोग देखते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, अभी आपने जेड वन इंटू जेड टू की वैल्यू आपने निकाला तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हुआ। यहाँ पे जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर सी एन, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, इसका मतलब यहां पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या होगा जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू जेड टू इंटू जेड वन, ये क्लियर। अगर आप पहले जेड वन और जेड टू का मल्टीप्लाई करें आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अभी आप यहां पर जो हमने जेड वन इक्वल टू ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, जेड टू इक्वल टू सी प्लस आई डी सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, फिर आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल आएगी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, इसमें जेड वन इंटू जेड टू एक थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड थ्री इक्वल टू जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री, आप इस तरीके से एक अदर कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप लेंगे, जैसे सपोज दैट यहां पर मल्टीप्लिकेटिव केटिव आइडेंटिटी, इसमें जेड इंटू वन से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको
जेड ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जेड इस कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे जेड प्राप्त होगा, जेड इंटू वन अगर आप करेंगे तो जेड आपको फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यहां पे गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स इसको गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम यहां पे गुणात्मक प्रतिलोम हम कैसे निकालेंगे? जेड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इंटू वन अपॉन जेड अगर आप इसको करते हैं, या इसको आप जेड इंटू जेड इनवर्स लिखते हैं तो इसकी वैल्यू सदैव वन आएगी, ठीक है ना। इस टाइप से अगर प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, गुणात्मक तत्समक इसको बोलते हैं, तो ये गुणात्मक तत्समक भी इसको बोलते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको बंटन नियम बोलते हैं, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जिसको आप बंटन नियम बोलते हैं, बंटन नियम, इसमें जेड वन यहां पे जेड थ्री, अगर हम यहां पे जेड वन प्लस जेड थ्री इस तरीके से करें, जेड थ्री का मल्टीप्लाई करें, तो यहां पे जेड वन इंटू जेड थ्री प्लस जेड टू इंटू जेड थ्री ये प्राप्त होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपके जो कंडीशंस दिए गए हैं, अब जैसे यहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाते हैं तो उनको हम जेड वन अपॉन जेड टू के फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट है, अब इसके आगे आप देखिए ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स के। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप डिविजिबल अगर निकालें, डिवाइड करें, तो यहां पर हम कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं जेड वन इंटू वन अपॉन जेड टू इजक्वल टू, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जेड वन इंटू जेड इनवर्स टू, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आप लिखकर, आप अभी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व कराएंगे तो ये सब कंडीशंस आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तो वहां पे इस तरीके के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। अब हम पावर ऑफ आयोटा और आइडेंटिटीज के बारे में, हम कुछ आइडेंटिटीज हैं उसके बारे में और आयोटा के पावर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोग जितनी भी अभी क्लास में पढ़ाए गए हैं, जितना भी टॉपिक बताया गया है, इसको आप नोट कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। हम इसके साथ जो है अगली क्लास में हम आयोटा के पावर में और आइडेंटिटीज के बारे में हम बताएंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटीज क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।